وصول کرنے کے لیے، فرض چیز کو ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم اپنے گھروں میں پڑھو، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ عورتوں کے لیے کیا ہے وہ پانچ وقت کی نماز کا؟ یہ مسجد سے بہتر جگہ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے کسی پاک صاف اور پاک پردہ حصے میں بیٹھ کر کے نماز پڑھے، یہ بہتر ہے۔ اب یہ فرض ہے نا، یہ عبادت پانچ وقت کی عبادت، تو جو عبادت فرض ہو اس کو پڑھنے کی اجازت مسجد میں عورتوں کو نہیں ہے، تو جو چیز ہمارے اوپر نہ فرض ہے نہ واجب ہے، تو پھر اس کو پڑھنے کی چیز کہاں تک اجازت دی جائے گی؟ بتائیے، دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی۔ تو جب نہیں دے سکتی ہے تو کیا اتنا بھی کامن سینس نہیں ہے ہمارے اندر کہ فرض چیز جو سب سے اہم عبادت ہے، اگر ہم نے اس کو ادا نہیں کیا تو ہم گنہگار ہوں گے، لیکن اگر کوئی شخص نفل چیز نہیں کیا تو گنہگار نہیں ہوگا؟ اگر مثال کے طور پر آپ سمجھ رہے ہیں، مسواک کرنا یہ سنت ہے، اگر کوئی نہیں کرا کیا وہ گنہگار ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ سرما لگانا سنت ہے، نہیں لگایا گنہگار نہیں ہوگا۔ عطر لگانا سنت ہے، نہیں لگایا گنہگار نہیں ہوگا۔ تو جو چیز ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، وہ چیز اگر ہم نہیں کریں تو ہم گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن کرنے سے جہالت کو بتاتا، اور میں کبھی ڈرتا نہیں ہوں۔ آج بہت سارے ایسے کچھ پیر ہیں
चूमा जाता है, हजरत अकबर को सिर्फ चूमने के हद तक मानते हैं, ये नबी करीम ने चूमा है इसलिए हम हजरत अकबर को चूमते हैं। तो हमने कहा कि वो पीर भी हजरत अकबर है, क्यों? इसलिए कि शरीयत का कोई इल्म नहीं है, सिर्फ वो अपने मुरीद से क्या करवा रहे हैं, वो पैर चूमा रहे हैं, हाथ चूमा रहे हैं, तो वो पीर कहां पर, वो तो हजरत अकबर को, और हजरत अकबर से मुरीद वहां जायज है। अच्छा, मुरीद होना हजरत अकबर से जायज नहीं है, इसीलिए बात लोग कहते हैं क्या तरीकत वाले हो गए, तरीकत वाले हो गए। अरे तरीकत निकला कहां से, तरीकत पैदा कहां से हुई? नबी की जात से ज्यादा कोई तरीकत जानता था? नबी की जात से कोई ज्यादा तरीकत वाला था? हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा कोई तरीकत वाला था? हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली से ज्यादा कोई तरीकत वाला था? गौस आजम से ज्यादा कोई तरीकत वाला? जुनैद बगदादी से ज्यादा कोई तरीकत वाला? नहीं है ना। जब नहीं है तरीकत वाला तो एक ऐसे पीर बता दो जो शरीयत के खिलाफ तरीकत को अपनाया, बता दो। शरीयत को छोड़ करके तरीकत को अपनाया हो, मैं भी उनसे कोई मिला, मैं भी उनको छूना छोड़ कर दूंगा। मैं हमेशा यह कहता हूं कि ऐसे शख्स के पीछे चलो जो शख्स के खुद को अपने आप को बचा सकता हो जहन्नम से, और तुम्हें वो हुक्म दे सकता हो जो हुक्म के तुम्हें जन्नत की तरफ लेकर जाए। ऐसे शख्स के पीछे चलो, ये नहीं कि सिर्फ बाप दादाओं से हमें दो जिक्र मिल गया है, बाप दादाओं से हमें दो जिक्र मिल गया है, हम जिक्र हर जुमे रात जुमा करते चले जाते हैं, न शरीयत का इल्म है, न वजू का इल्म है, न एहतिकाफ का इल्म है। अगर तुम पीर साहब से जाके एक मसला पूछो, भाई जरा बताइए कि एहतिकाफ के मसाइल क्या है, अरे हम तो तरीकत वाले हैं कि शरीयत में नहीं पढ़ा। रमजानुल मुबारक बता रहा हूं, देखना अब मैं जो आपको बता रहा हूं कि शरीयत से तरीकत निकलती है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, कुरान कह रहा है। ए लोगो, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए, कैसे? जैसा कि तुमसे पहले वालों पर फर्ज किए गए। पहले वालों रोजा रखना क्या है आपका? फर्ज है। ये शरीयत है या तरीकत? शरीयत है, क्योंकि अगर हम रोजा नहीं रखेंगे तो पकड़ होगी कि नहीं होगी। अब जब शरीयत पर रोजा रखना फर्ज है, शरीयत कह रही है, अब आओ जब हम रोजा रख लेंगे तो अब इसी शरीयत से तरीकत निकलेगी। कैसे? लअल्लकुम तत्तकून, तुम रोजा रखो तो तरीकत में दाखिल होगे। कैसे? लअल्लकुम तत्तकून, कि तेरा दिल साफ हो जाएगा, तुम मुत्तकी बन जाएगा। यही तो तरीकत है ना, कि तुम फर्ज को अदा करो, तरीकत वाले बन जाओ। तुम्हें ना शरीयत का इल्म है और कहते हो तरीकत वाले, ऐसे पीर से मुरीद होना ही जायज नहीं, ऐसे पीर से मुरीद होना जायज नहीं है जो अपने बाप दादाओं के जिक्रों पे अपने पेट को पाल रहे हो। नहीं, चार जिक्र लेने से कोई पीर नहीं बन जाता, सज्जादगी लेने से कोई पीर नहीं बन जाता। पीर उसी को कहते हैं जो नायक हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नायक हो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मेरे पास एक शख्स आया, बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा आलिम, हजरत अली रजी अल्लाह तआला का जिक्र हो रहा था, हजरत अली रजी अल्लाह तआला जिक्र हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह सब हजरत अली के जिक्र को सुन करते हैं, हम तो अपने सर को उनके कदमों में निछावर करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अहले बैत के गुलाम हैं, है ना। लेकिन हजरत अली का जिक्र के साथ साथ उनको तमाम सहाबा का जिक्र करता है। उस दरमियान पूछा गया सवाल, जैसा कि आपने नाम सुना होगा तारिक कादरी, नाम तो सुना है, उनसे पूछा गया कि हजरत अमीर माविया की फजीलत बयान की, हजरत अमीर माविया की फजीलत बयान की, तो उन्होंने क्या कहा? सिर्फ एक लफ्ज का, हम बस उसको सहाबी मानते, बस और कोई फजीलत नहीं। और क्या कहा? कि बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिजी, इब्न माजा, अबू दाऊद, नसाई, सुनन कुबरा, हदीस की तमाम किसी किताब में हजरत अमीर माविया की फजीलत नहीं आई। उन्होंने ये कह दिया। मैंने तो, मेरे पास जब उस शख्स ने पूछा कि आखिर आपका ऐसे शख्स के बारे में क्या क्या कौल है जो ऐसा कहता हो कि अमीर माविया सिर्फ सहाबी है बाकी कोई फजीलत नहीं, तो मेरे दिल में एक ख्याल आया कि अल्लाह जो है, अल्लाह
किसी की फजीलत बयान करता है तो दुश्मन से ही उसकी गवाही दिलवाता है, दुश्मन से ही उसकी गवाही दिलवाता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं एक चीज, ध्यान रखो, सबसे पहले ये ध्यान रखो, बुखारी से लेकर अहदीस की सारी किताबें उठा, तमाम में हजरत अली के मामले की फजीलत जाहिर हो, तमाम में। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अहदीस की किताबों का बगौर मुताला किया है, ऐसे ही इस मकाम पे नहीं पहुंचा, बहुत मेहनत से पहुंचा। सारी किताबें उठा लो, वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और सहाबी की फजीलत है, लेकिन उसको एक तरफ रखो, उसको एक तरफ रखो। ये जो लफ्ज़े सहाबियत है ना, लफ्ज़े सहाबियत, सिर्फ लफ्ज़े सहाबियत, ये ऐसी फजीलत है, ये लफ्ज़े सहाबियत ही ऐसी फजीलत है कि ताबईन तबे ताबईन अइम्मे मुज्तहिदीन और ये निज़ाम बुजुर्गाने दीन सारे की फजीलत को एक पल्ले में रख दिया जाए, और सिर्फ लफ्ज़े सहाबियत की फजीलत को एक पल्ले में रख दिया जाए तो ये लफ्ज़े सहाबियत की फजीलत के बराबर कोई फजीलत नहीं हो सकती। ये लफ्ज़े सहाबियत की फजीलत है, यही लफ्ज़े सहाबा, क्यों? इसलिए कि सहाबा उसे कहते हैं जो नबी को अपनी जाहिरी आंखों से देखा हो और ईमान के साथ देखा हो और ईमान पे ही उनका इंतकाल हुआ। ये नबी को देखने की फजीलत ऐसी है, ये नबी को एक लम्हा देखने की फजीलत ही ऐसी है कि सारी फजीलतों को एक तरफ और सिर्फ ये नबी के देखने की एक मरतबा फजीलत को एक तरफ रखा जाए है, तो यही फजीलत सारी फजीलतों में पड़ जाए। तो उनकी गवाही तो उन्होंने दे दिया ना कि सहाबी है, अरे तुमने तो मान लिया ना कि सहाबी है, तो ये सहाबी है, ऐसी फजीलत है जो तमाम सहाबा तमाम लोगों से अफजल। दूसरी चीज ये है, दूसरी चीज ये बताता चलू मैं कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला ये सहाबियों में जो खुलफाए राशिदीन है ये चौथे नंबर का नाम आप हजरत अली। अब बाद लोग आकर के पूछेंगे कि पहले हजरत अमीर माविया का जश्न क्यों नहीं मनाया जाता था, अब क्यों मनाया जा रहा, अब क्यों मनाया जा रहा है, पहले क्यों नहीं मनाया जाता। तो मैं उनसे पूछता हूं, जब तू एक दिन का बच्चा था तो कपड़े पहनता था नहीं पहनता? अरे एक दिन का जब बच्चा होता है तो उसको अगर नंगा भी कोई आदमी गोद में ले लेना तो उसे आग नहीं समझा जाता, कहता है एक दिन का बच्चा है इसको क्या, अगर उसके ऊपर चादर उड़ल या कोई पतला कपड़ा उड़ा दिया जाए तो भी सही है। यानी जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो वक्त के एतबार से उसका एतबार किया जाता है, किया जाता है कि नहीं किया जाता। आज 1450 साल गुजर गया, 1400 साल यानी 50 साल पहले की बात करो या 30 साल पहले, 50 साल तो बहुत होगा, 30 साल पहले तक कोई भी ऐसा हजरत अमीर माविया के खिलाफ नहीं बोलता, कोई भी नहीं बोलता, नहीं बोलता था कोई भी हजरत अमीर माविया के खिलाफ। सब लोग इज्जत किया करते थे, तकरीर किया करते थे, लेकिन आज कुछ शिया हजरात जो जहन में डाल चुके हैं ना, शिया रफजियत जो जहन में डाल चुके हैं, तो हजरत अमीर माविया पर अटैक हुआ, तो हजरत अमीर माविया पर अटैक हुआ तो इस अटैक मैं मेरे इल्म की बुनियाद पर नहीं, इल्म मेरा कुछ नहीं है, सिर्फ गुलामी मोहम्मद
जुमा की नमाज नहीं होगी, जुमा की नमाज नहीं होती है तो आप
हम क्या गर्मी के बचने के लिए क्या हम रोज रोज की नहा सकते हैं? एहतिकाफ की हालत नहा सकते या नहीं नहा सकते गर्मी से बचने के लिए? तो उसका सिंपल सी जवाब है, रोजे है ना। आपके कोई पूछता है क्या मुझे प्यास बहुत लग रही, क्या थोड़ा सा पानी पी सकते हैं? पूछेगा नहीं पूछेगा? नहा लगे प्यास बर्दाश्त कर रहे ना भैया। कोई पूछेगा कि प्यास लग रही है तो मैं पानी पी लूं? क्यों? इसलिए कि ये रुकस है, करने की इजाजत नहीं है। आप अगर मजबूर हो गए, बीमार पड़ गए, या आपको ऐसी बीमारी हो गई कि आपकी बीमारी हद सही होने के काबिल नहीं है और आपको माहिर डॉक्टर ने हुक्म दिया कि आप अगर रोजा नहीं तोड़ेंगे तो आप मर सकते हैं या आपकी बीमारी बढ़ सकती है, तो आपको फिर इजाजत में रोजा तोड़ेंगे। लेकिन अगर कोई शख्स प्यास की शिद्दत की बुनियाद पर या कोई बगैर उज्र के रोजा तोड़ देगा, कोई उज्र नहीं है, बस सोचा कि मैं काम कर रहा हूं, काम करते करते थक गया, अब बर्दाश्त के काबिल नहीं है, रोजा तोड़ गया, तो आप उसके ऊपर कफारा लाजिम होगा। कफारा क्या होगा? कि 60 रोजे मुकम्मल रखने होंगे, उसे पाई का पाई होगी। यानी रोजे का कफारा अगर जानबूझकर किसी ने रोजा तोड़ दिया है तो आप उसको 60 रोजे मुकम्मल रखने होंगे, वो भी पाए दर पाए 2 महीने के। अगर उस 2 महीने रोजे रखने के बीच में कोई एक रोजा गलती से टूट गया तो फिर 2 महीने रोजे रखने हो, फिर 2 महीने। अगर इस बीच में आपने रोजे की आदत में अपनी बीवी से सोहबत कर ली तो फिर आपको 2 महीने रोजे रखने हो। ये ध्यान रखो, अगर आपको रोजे रखने की ताकत नहीं, आप बूढ़े हो चुके हैं, आपके जिस्म में कोई जान नहीं है, तो आपको क्या करना है? अल्लाह ताला तब इजाजत देता है कि वो क्या करे, 60 मिस्कीनों को 2 टाइम खाना खिलाए, 60 गरीबों मिस्कीनों को क्या करे, 2 टाइम खाना खिलाए। ये रोजा है। आज इसको बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, लाइट ले रहे हैं, अरे गर्मी आ रही है तो चलो भाई रोजा तोड़ देते हैं, बाद में रख लेते, बाद में रख लेंगे, ये नहीं होगा, बाद में 60 रखने पड़ेंगे, अभी तो एक ही है, बाद में 60। क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी का हुक्म देता है ना किसी भी चीज का, तो उसको लाइट मत लो, ये लाइट ले लो, ये आपके घर के दाल चावल और दाल चावल वगैरह खाना नहीं है, ये अल्लाह के हुक्म की फरमा बरदारी है, ये अल्लाह की रजा है कि तुम आज अल्लाह की रजा में अपनी जिंदगी को गुजारो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जिंदगी को संवार देगा, तुम्हें नेकियों की तरफ लेकर जाएगा। तो मैं बताने का मकसद यह है कि आपकी कोई शख्स आकर के कहे कि गर्मी फुल लग रही है आपको, हम क्या रोज नहा सकते हैं, तो ठंडक हासिल करने के लिए भी उसे करना एतिकाफ सुन्नत में यह जायज नहीं है, आपका एतिकाफ टूट जाए। आपका एतिकाफ क्या है? अगर आप ठंडक हासिल करने के लिए भी गुस्ल कर रहे हैं ना, तो आपका एतिकाफ क्या है, टूट जाएगा। आप पूछते हैं ये कैसे, मैं आपको ये बोलूंगा, अल्लाह ताला ने आप पर वाजिब किया था एतिकाफ, ये वाजिब नहीं, अल्लाह ताला ने आप पर एतिकाफ वाजिब नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला तो आपको हुक्म दे रहा है, इख्तियार दे रहा है कि आप एतिकाफ करो या नहीं करो, करोगे तो सवाब है। तो जब तुम कर लिए, अपने आप में सोच लिए कि मुझे एतिकाफ करना है, तो अब एतिकाफ में जो पाबंदी अल्लाह के नबी ने लगाई है उस पाबंदी को इस्तेमाल करना, क्योंकि पहले तो तुम्हें कोई पाबंदी नहीं थी, पहले तो तुम्हें कोई पाबंदी नहीं थी, अब पाबंदी है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपके पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, हज करना है नहीं है ना, लेकिन जब आप उमरा करने की नियत कर लिए, जैसे कि उमरा करना आप पर वाजिब नहीं है क्या? नहीं। लेकिन आपने अगर इरादा कर लिया और एहराम बांध लिया, एहराम जैसे ही बांधा, पहले तो वाजिब नहीं था, अब बांधा, तो आप पर ना बीवी के साथ सोना है, ना तेल लगाना है, ना खुशबू लगाना है, अब कहेंगे ये कैसे, कहा कि पहले तो वाजिब नहीं था तेरे ऊपर, तू कर सकता था, लेकिन खुद से तूने वाजिब किया है, उसे वाजिब किया है, और जब वाजिब किया है तो जो पाबंदी है तो अब उस पाबंदी को इस्तेमाल करो, उस पाबंदी को क्या है, इस्तेमाल करो। एक तीसरी बात यह है कि एहतिकाफ जो है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, एहतिकाफ सुन्नत भी, और ये 10 दिन का होता है एहतिकाफ, ये एहतिकाफ की सुन्नत जो है 10 दिन का है। नफल एहतिकाफ आप 1 दिन का भी कर सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई हमारे भाई है जो एहतिकाफ करने की नियत रखते हैं कि हमें एहतिकाफ करना है, लेकिन बीच में कभी क्या है एग्जाम आ जाता है उसका, तो आप ये सुन्नत एहतिकाफ को ना करें, बल्कि क्या करें, वो नफल एहतिकाफ 1 दिन का 3 दिन का 5 दिन का 2 दिन का जितने दिन का है वो कर सकता है, इसमें रोजा भी शर्त नहीं है नफल एहतिकाफ, लेकिन सुन्नत एहतिकाफ में क्या है, रोजा शर्त है। आप अगर रमजान में भी एग्जाम है, आप एहतिकाफ करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें, नफल एहतिकाफ की नियत कर लें, जब आपका एग्जाम हो तो आप क्या उस एग्जाम को देने के लिए भी आप क्या जा सकते हैं। तो ये तीसरी चौथी बात यह है कि आप जब मस्जिद में एहतिकाफ कर रहे हैं
जितना इंतकाम कर रहे हैं, तो आप क्या है वजू करने के लिए आप वजू खाने में जा सकते हैं, वजू करने के लिए तहारत हासिल करने के लिए क्या है आप बाथरूम में जा सकते हैं, लेकिन वजू खाने पर बैठकर गपशप मारने के लिए वजू नहीं जा सकते, इससे आपका एहतिकाम टूट जाएगा। आज हमारे भाई है बोलते हैं चार दोस्त आ जाते हैं, अरे मस्जिद के बाहर तो जाना चाहिए थी भाई, आप तो वजू खाने में मैं भी आता हूँ जरा बात कर ले, ये वजू खाने ये जो चप्पल यहाँ पे रखते हैं ना ये मस्जिद का खारिज हिस्सा है, वो मस्जिद नहीं है, वो मस्जिद का क्या है खारिज हिस्सा है। तो एहतिकाफ वालों पर जरूरी यह है कि जब वो एहतिकाफ करने के लिए बैठे तो वो मस्जिद के दाखिले हिस्से में जाए, मस्जिद में क्या है दाखिले हिस्से में रहे, खारिज हिस्से में बगैर किसी उज्र के चला गया उसका एहतिकाफ बातिल हो, उसका एहतिकाफ क्या हो गया बातिल हो गया। जैसे ये मस्जिद है, अब इसका दाखिले हिस्सा अगर इस मस्जिद की सीढ़ी यहीं से होती ऊपर जाने के लिए तो आप इस मस्जिद की सीढ़ी से आप ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अब अगर आप एहतिकाफ में बैठे हैं यहां अंदर लेकिन मस्जिद की सीढ़ी क्या है बाहर है, अब जब आप यहां से बाहर जाएंगे तो खारिज मस्जिद पाई जाएगी, खारिज मस्जिद पाई जाएगी, और जब खारिज मस्जिद में बगैर किसी उज्र के आपने कदम रखा आपका एहतिकाफ चला, आपका एहतिकाफ क्या है चला गया। आप तो सोच रहे होंगे कि मेरा एहतिकाफ हो जाएगा कि मैं ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर 10 मरतबा करूं या इमाम साहब करें 10 मरतबा नीचे से ऊपर या यहां पर एहतिकाफ बैठने वाले करें, तो सोचेंगे क्या हो गया एहतिकाफ में तो आप आए थे लेकिन यहां पर वैसे ही आए जैसे कि अपने घर में सो रहे थे। अगर आपको एहतिकाफ करना है तो मस्जिद के ऊपर वाले हिस्से में चले गए, आप वहीं पर अपना 10 दिन गुजारा, क्यों यहां पर सिर्फ 10 दिन गुजारना मकसद नहीं होता है, यहां पर 10 दिन में अपने आप को मैं आप एक सिंपल सी मिसाल देता हूं, एक सिंपल सी मिसाल, अगर कोई इंसान सुबह शाम दो मरतबा किसी समंदर के किनारे बैठा रहे और एक एक घंटे में समंदर में डूब करके नहाता जाए, बताओ 10 दिन में उसके जिस्म पर कोई मैल देखोगे आप नहीं देखोगे, क्यों इसलिए कि 10 दिन तक सुबह शाम दो मरतबा वो समंदर में डूब करके नहा रहा है। अब आप बोलोगे कि नहीं इसके बदन पे मैल इसलिए नहीं है कि समंदर के पानी से उसने बिल्कुल साफ शफाफ कर दिया अपने आप। नबी करीम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के फरिश्ते असर और फजर में आते हैं, असर और क्या है फजर में आते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उन फरिश्तों को हुक्म देता है, ए फरिश्ते मेरा बंदा जो एहतिकाफ में बैठा हुआ है जा मेरे नूर से उसके दिल और पूरे जिस्म को चमका दे, मेरे नूर से उसके दिल और जिस्म को चमका दे। जरा बताओ एक आम पानी समंदर का जब इंसान के जाहिर जिस्म को साफ कर सकता है तो मेरा खुदा जिसका नूर सारी कायनात में चमक रहा है अगर उसका नूर किसी बंदे के जिस्म में चमकाने की हैसियत रख ले तो उसका आम भी चमक जाएगा दिल भी चमकता हुआ जाएगा। ये होता है इंसान के जिस्म की गंदगी को दूर करता है।
बड़े बड़े मोबाइल आ चुके हैं, बड़ी बड़ी मल्टीमीडिया, यहाँ तक के यहाँ तक तो मैं तो देखता हूँ आज मैं यहाँ तक देखा हूँ वीडियो कॉल पे देखा आपके आलम में गुफ्तगू हो रही। अरे दो दस दिन तक सबर कर ले आता हूँ, ईद के दिन चांद रात के दिन जाएंगे घूमने के लिए, जरा बहुत दस दिन तक कहीं भी नहीं गया, वीडियो कॉल पे गुफ्तगू। अल्लाह यहाँ तक होना ये चाहिए कि आप एहतिकाफ में बैठे हैं तो आपके अंदर इल्म नहीं है तो कम से कम इमाम साहब या कहीं साहब से आप क्या है वजू के मसाइल सीखें, गुस्ल के मसाइल सीखें, अकीदे के मसाइल अकीदा सीखें, तरबियत सीखें, कुरान पढ़ना सीखें। आप अगर ये सब करते जाएंगे तो आप एक कदम अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा की तरफ बढ़ाओ, अल्लाह ताला दस रहमतें तुम पर नाज़िल फरमाए, तुम्हारे दिल को साफ करेगा, तुम्हारी जबान को साफ करेगा। तो हम नौजवानों को खास हम इतने दिन तक जिंदगी से मायूस हो चुके हैं, कम से कम एक ऐसा दिन को लाओ जो दिन के अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए, एक ऐसा दिन तो नहीं। हाँ एक मसला से हम रखना कि अगर बिला जरूरत आपने मोबाइल पर गुफ्तगू भी कर ली ना बिला जरूरत तो इससे एहतिकाफ मकरूह होगा, उठेगा तो नहीं मकरूह होगा, जरूरत है तो आप गुफ्तगू कर सकते। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपके घर में कोई मर्द नहीं है, आप अकेले घर के और आप एहतिकाफ में बैठ चुके हैं और आपका खाना लाने वाला भी कोई नहीं है आपके घर से, तो अगर आपकी माँ बहन कोई टिफिन वगैरह लेकर के आती तो आप क्या है उस टिफिन को लेने के लिए मस्जिद के दरवाजे पे जा सकते क्योंकि ये जरूरत है। ये क्या है जरूरत है, अपनी जरूरी एक मसला आप अपने ज़हन में रखें, यानी जो जरूरत हो तो जरूरत की बुनियाद पर आप मस्जिद से निकल सकते हैं। जैसे कि आप एहतिकाफ में बैठे हैं, बीमार पड़ गए, बुखार आ गया, तो आप हर दर्जा कोशिश करें कि आपके पहचान के अगर कोई डॉक्टर है तो उनको बुला लें, लेकिन अगर बीमारी हर दर्जा बढ़ गई हो तो आप क्या कर सकते हैं आप उस हालत में हॉस्पिटल जा सकते हैं और जाकर के आ सकते हैं, आपका एहतिकाफ नहीं होगा। ये जरूरत क्यों, इसलिए कि शरीयत जो है वो कभी मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, हम इंसान मजबूरी का फायदा उठाते हैं, हम इंसान सबकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, लेकिन शरीयत जो है वो कभी मजबूरी का फायदा नहीं उठाता। शरीयत इजाजत देती है कि मेरा बंदा मेरी रजा के लिए इसने किया है, मजबूर हो चुका है, अब मैं साथ नहीं दूंगा, मेरी रहमत साथ नहीं देगी तो और कौन सा। इसीलिए एहतिकाफ में आप जब बैठने के लिए आए तो यहां से ऐसे उठे कि आपके सीने में इज्जत हो, आपकी आंखों में खौफ हो, आपकी जबान में सच्चाई हो, आपके दिलों में मोहब्बत हो और आपके कदम आराम से रुक रहे हो। ये पांच चीज लेकर के जब एहतिकाफ के बाद जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। मौला करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम तमाम को रमजान मुबारक की सही तरबियत की तौफीक अता फरमाए।